आज इतना जप्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी, मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना बीजेपी का अहंकार, इतना चीफ मिनिस्टर को लेके हर जगह में जैसे वो डाटा सबको थ्रेट किया, हमारा स्टेट में ऑल लीडर को थ्रेट किया फोन में, हमारा स्टेट में हर काउंसिलर को थ्रेट किया, हमारा स्टेट में हर एमएलए को थ्रेट किया, किसी का 500 रुपया भी भेजा, वो तो हमारा जानकारी में है, 2-3 सीट में वो हम इंक्वायरी करके लेंगे। इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। आप देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है, मोदी जी का सीट में क्या है, पोस्टल बैलेट में भी हारा था मैंने जो सुना, पहले तो 5 लाख वोट में जीता था, अभी क्या हुआ। इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है, हमारा लिए भी ठीक नहीं है। हम तो आज इतना आशीर्वाद जनता को मिला है कि हमारा शेर, हमारा सिर हम नीचू करने चाहते हैं। हम जनता को कहने चाहती हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर का भाषा में कि हमार माथा न तो करे दाओ है तुम्हार चरण दुलार तले, सकल अहंकार है हमार डुबाओ चोखेर जले। आमादेर कोनो कृतित्व नहीं, सबटाई मानुषेर कृतित्व। আমি মানুষের চোখের ভাষা বুঝি। আড়াই মাস 3 মাস ধরে কোনো ইলেকশন চলতে পারে না, যদি 3 মাস ধরে ইলেকশন চলে, বছরে একবার পঞ্চায়েত, একবার মিউনিসিপ্যালিটি, একবার লোকসভা, একবার বিধানসভা, একবার বাই ইলেকশন, তো ডেভেলপমেন্ট কা কাম নহীঁ হোতা হ্যায়। তো ইসি কে লিয়ে জো কানুন মোদি জি নে কিয়া হ্যায়, 147 এমপি কো এক্সপেল করকে, ओ कानून अभी कामयाब नहीं होगा इसी के लिए कि 2/3 मेजोरिटी तो नहीं मिला। 2/3 मेजोरिटी नहीं होने से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं होता, आप लोगों को पता है ना, पता है तो ना पता नहीं है। जो हारा है उसको लिए हमारा कोई दुख नहीं है, हमारा पार्टी को अगर जो हारा भी है उसको हारा गया है रुपया देके, मैं तब भी उसको कंग्रेचुलेट करने चाहूंगी कि वो लोग हिम्मत से लड़ा। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। हम आज का चुनाव में इलेक्शन कमीशन को जो रोल है, हम कहने चाहूंगी कि ये बीजेपी का कमीशन का तरह काम किया, दे आर जस्ट लाइक ए हिज मास्टर वॉइस ऑफ बीजेपी। जो कंप्लेन किया वो काम किया, हम रिकाउंटिंग चाहते हैं तो नहीं देता है बीजेपी का, क्यों दिया रिपोर्ट हमको क्यों नहीं देते हैं, इसका मतलब यही होता है वो चालाकी से मोदी का सीट आओ 10 बड़ा बढ़ाने चाहते हैं। लेकिन प्लीज याद रखिए जो सच होता है वो सच आता है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। इसी के लिए मैं तो चाहूंगी किसी का ऊपर डिपेंडेंट नहीं होके आपको पहले रिजिग्नेशन करना चाहिए। इसी के लिए प्राइम मिनिस्टर का बाद नूतन प्राइम मिनिस्टर होने से रिजाइन करना है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम है।